जो यमुना के आसपास के लो लाइंग एरियाज थे वहां पे पानी आ जाने की वजह से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया, उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगहों पे बहुत सारे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं। 6 जिले प्रभावित है दिल्ली के अंदर, इन 6 जिलों में अलग अलग जगहों पे रिलीफ कैंप्स लगाए हुए हैं और कोशिश ये की गई है कि अगर पास में कोई स्कूल या धर्मशाला है तो वहां पे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं ताकि टॉयलेट्स का, पानी का वहां पे अंदर इंतजाम हो सके। अभी हम लोग यहाँ एक स्कूल में खड़े हैं जहां पे अंदर एक रिलीफ कैंप लगाया गया है। तो यमुना बाजार जो जहां पे पानी घुस गया वहां के कई सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, तो पानी घुस जाने की वजह से बता रहे हैं पानी अचानक आया था और घरों में घुस गया और काफी सामान बह गया लोगों का। तो एक तो कईयों के कागज बह गए, आधार कार्ड था, ये था, वो था, वो, तो स्पेशल कैंप्स लगवा देंगे इसके बाद लोगों के उसके लिए। बच्चे की किताबें वगैरह बह गई, बच्चों की ड्रेसेस बह गई, उसका भी हम लोग इंतजाम कर देंगे कि उनको दोबारा किताबें और ड्रेसेस दे दी जाएगी। और मैं उम्मीद, वहां पे उस एरिया के अंदर कीचड़ बहुत ज्यादा है तो मिट्टी डलवा के उसको कीचड़ को ताकि वो ड्राई हो सके। और एक कोई तरीका निकाल रहे हैं कि अगर बाढ़ प्रभावित लोग जो हैं जिनका सब कुछ बह गया उनको कोई हम एडहॉक रिलीफ अगर किसी तरह की दे सकें ताकि जो उनका सामान का नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कर सकें, इसका अभी कोई तरीका निकाल के फिर हम इसका ऐलान करें। सर, हरियाणा की तरफ से ये कहा गया, आरोप लगा रहे कि यमुना पुल को लेकर के मेंटेनेंस का 5 साल से पैसा नहीं दिया गया। चीफ इंजीनियर का ये बयान है, मैंने अभी अभी पता किया है कि ये पैसा हम नहीं देते, ये पैसा NTPC देती है। NTPC दिया करती थी तो NTPC भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये प्रश्न NTPC से पूछना चाहिए, उन्होंने दिया नहीं दिया, इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं। गलत बोल रहे हैं। देखिए, पिछले 5-6 दिन से जब से ये मुद्दा उठा है कि वो 5 गेट नहीं खुल रहे, मीडिया में आया, मीडिया में इतना ज्यादा उठा, तो अब वो कोई ना कोई बहाना कोई ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये आपस में वो करने का वो नहीं है। मैंने अभी भी पता किया है, सौरभ भारद्वाज ने पता किया था, उन्होंने मुझे बताया कि ये NTPC उनको पैसा देती थी पहले, NTPC, तो वो NTPC ने दिया नहीं दिया, वो उनको उनसे पूछने की। सर, ये रोड का फंक्शन हो जाएगा क्योंकि अब पानी नीचे जा चुका है लेकिन रोड्स पर अभी भी पानी है, तो क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है पंप के जरिए? कोशिश कर रहे हैं पंप से निकालने की, कई जगह जल्दी भी हो रहा है, कई जगह थोड़ा समय भी लग रहा है। धीरे धीरे अब जो पानी का स्तर है वो 205.9 तक आ गया है और हम जानते हैं कि 208.67 तक पहुंच गया था, तो पानी जैसे जैसे धीरे नीचे जा रहा है वैसे वैसे जिंदगी जो है वो नॉर्मल होती जा रही है। कई इलाकों से पानी निकल गया है, कई इलाकों, कुछ इलाकों में पानी बचा है वो भी निकल गया। जब मंत्री जायजा लेने जा रहे, कुछ जगह बीजेपी कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है बीजेपी को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको मिलके काम करना चाहिए, आपस में इस टाइम भी अगर पार्टीबाजी करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है। PAC की बैठक है महत्वपूर्ण, जो बेंगलोर की मीटिंग, उसी लेकर क्या कुछ फैसला आप लोग लेंगे? तो वो PAC की मीटिंग के बाद ही बता पाऊंगा। कांग्रेस सपोर्ट करेंगे सर, लेकिन क्या आप इसको पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं? PAC की मीटिंग के बाद ही बता पाऊंगा।